ये नॉर्मल डे से बहुत ज्यादा भीड़ है। ऐसे दिल्ली से सीधा काठमांडू यानी नेपाल के लिए भी बसें मिलने लगी है टिकट। अब मैं आपको इसका टिकट बताता हूँ। तो टिकट है इसका, यहाँ पे जो खंबे है ना, खंबे पे लिखा हुआ जैसे जी पिंक सेवा यानी लखनऊ की बसें। आप सामने गाड़ी देख रहे हो, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल SV जर्नी। तो फ्रेंड्स, आ चुका हूँ मैं एक और नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो कहाँ की होने वाली है? आज की वीडियो होने वाली है आनंद विहार ISBT यानी कौसाम्बी ISBT की। तो वो इसलिए होने वाली है बिकॉज आप सबको पता ही है कि होली आने वाली है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने गाँव जाते हैं होली बनाने के लिए। तो उनके लिए मैंने सोचा यार वीडियो बनानी चाहिए और थोड़ा यहाँ का माहौल दिखाना चाहिए कि आखिर माहौल कैसा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये अभी मैं जो फ्लाईओवर पड़ता है आनंद विहार का, तो वहाँ पे हूँ। अभी नीचे चलते हैं, यहाँ का माहौल दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ हुई पड़ी है। ये देखिए, ये होली की भीड़ है एक तरह से देखा जाए। और यहाँ पे मार्केट भी है जो कि मतलब थोड़ी पटरी मार्केट है, यहाँ से आपको सस्ते में सामान मिल जाता है। और ये देखिए, ये नॉर्मल डे से बहुत ज़्यादा भीड़ है। और बसें देखिए कितनी ज़्यादा लगी हुई हैं, सारी एकदम थुसम थुस है, मतलब भरा हुआ है पूरा जो ISBT है। ये देखिए, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ये सारी बसें ही बसें यहाँ पे सारी लगी हुई है जाने के लिए। चलते हैं ISBT में और देखते हैं कि कौन कौन सी बस कहाँ कहाँ जा रही है। और वैसे तुमने देखी नहीं भीड़ कितनी यहाँ पे भीड़। ये आ चुके हैं हम अपने कौसाम्बी यानी आनंद विहार, मतलब आनंद विहार और कौसाम्बी एकदम पास पास है। तो ये ISBT है और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बुरा हाल हो पड़ा, मतलब बसें इतनी लगी हुई है बहुत ही ज़्यादा और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हुई पड़ी यहाँ पे। और यहाँ पे सारी बसें लगी हुई है। जैसे आप सामने गाड़ी देख रहे हो, अलीगढ़ आनंद विहार अलीगढ़ जा रही है। और ये सामने कायमगंज, तो मतलब यहाँ पे जो भी है ना, तो रोडवेज बस है ना, उनका क्या सीन है, उनका ये है जैसे ही फुल हो जाती है तो चली जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनका कोई टाइमिंग होता है, जैसे फुल हो गई तो निकल जाती है जितनी भी यहाँ पे रोडवेज बस है। और जो ये वोल्वो होती है इनका टाइमिंग होता है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पर आप अगर बस वगैरह लेट है तो आप यहाँ पर बैठ के वेट कर सकते हो। यहाँ पे जो खंबे है ना, खंबे पे लिखा हुआ जैसे 5 नंबर प्रयागराज बदायूं आगरा ऐसे लिखे रहते हैं, मतलब इन पे ही जो भी खंबे सामने लगी रहती है, जैसे मुरादाबाद हो गई ऐसे ही लिखे हुए हैं सारों पे। भी देख सकते हो काफी ज्यादा भीड़ है और वो भी इसलिए है क्योंकि होली की वजह से लोग बाग अपने घर जा रहे हैं होली मनाने के लिए। देख सकते हो ये फुल हो गई तो अब मतलब जा रही है, कोई टाइमिंग नहीं होता इनका। जा रही है बदायूं। फ्रेंड्स, सारी बसें मैं दिखाई रहा हूँ आपको और आप सबने देखा ही होगा काफी बसें चल रही है, मतलब यूपी के। तो आपको सारी बसें यहाँ से मिल जाएगी, जैसे कि बदायूं हो गया और गोरखपुर हो गया, उरई हो गया और मतलब कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, सारी बसें मिल जाएगी। क्योंकि यार आप सबको पता है जो यूपी है कितना बड़ा है, तो सारी तो दिखाना पॉसिबल है, लेकिन फिर भी जो जो चीज़ है सारी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कौन कौन सी बसें मिल सकती है। तो थोड़ा अभी धूप सी हो रही है इसलिए, बट कोई नहीं, आप सबके लिए वीडियो बनानी ज़रूरी है। और मुझे भी थोड़ा काम था तो काम भी कर लूँगा और वीडियो भी हो जाएगी। मैं आपको दिखाई रहा हूँ, भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा है होली की वजह से, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और बसें भी, बसों की भी संख्या मतलब काफ़ी बढ़ा दी है। ये आगरा और मथुरा,
और वो सामने बरेली वाली खड़ी हुई है और ये लखनऊ वाली। तो ऐसे काफ़ी बसें आपको देखने को मिल जाएगी। सामने खुर्जा देख सकते हो आप, ये है 100% इलेक्ट्रिक बस है, ये इलेक्ट्रिक से चलती है मतलब बस। तो ये लखनऊ जा रही है जी, पिंक सेवा यानी लखनऊ की बस है ये, और वोल्वो है ये, आप देख सकते हो। गुड न्यूज़ है और ये गुड न्यूज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो बताने से पहले आप ये वाली वीडियो देखिए, उसके बाद फिर बताता हूँ कि आखिर गुड न्यूज़ क्या है। गुड न्यूज़ ये है फ्रेंड्स कि अब जो आनंद विहार ISBT है, जो भी मैंने वो दिखाया वो था कौसाम्बी, उसके ही सामने पड़ता है आनंद विहार ISBT। तो वहाँ से आपको दिल्ली, मतलब एक तरह से दिल्ली से सीधा काठमांडू यानी नेपाल के लिए भी बसें मिलने लगी है। तो वहाँ पे ये जो बस मैंने आपको दिखाई है, ये बस जो है ये यहीं से चलती है, मतलब आनंद विहार से चलती है और काठमांडू आपको पहुँचाती है। और इसका जो टाइमिंग है वो है 7 बजे यानी शाम को 7 बजे, और नेक्स्ट डे 7 बजे, पता नहीं कितने बजे पहुंचाती है, वैसे 7 बजे का टाइम दिया है, बताया उन्होंने। और अब इसका जो मेन चीज़ यानी इसका टिकट, अब मैं आपको इसका टिकट बताता हूँ। तो टिकट है इसका 750 रुपये का, जो कि है AC सीटिंग का, और ये वैसे काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि मुझे भी जाना था। तो देखते हैं कब बनता प्लान, तो जैसे ही बनेगा आप सबको बताएंगे, तो इसलिए आपको मैंने बता दिया। अगर आपको जाना हो तो आप आनंद विहार से काठमांडू जा सकते हो, वो भी डायरेक्ट 750 रुपये में। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही बताना था। फ्रेंड्स दिखा दिया मैंने आपको ISBT कश्मीरी, उसका सॉरी आनंद विहार का हाल। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे या फिर आपको उससे कुछ बेनिफिट हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, और अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।